सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज की इस वीडियो में यार हम लोग जितने भी सारे IITs हैं हमारे इंडिया में, हाँ सही में कुछ का तो शायद आपको नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन जितने भी सारे IITs हैं उन सारे IITs की हम लोग प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन IITs में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कितने रैंक पे आप लोगों को उनमें एडमिशन मिल सकती है। तो वीडियो में यार हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप सभी बच्चों को जो कि खास करके 2023 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर 2024 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर ऐसे बच्चे जो कि इस साल एग्जामिनेशन देके ड्रॉप लिए हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट मेरे तरफ से है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है अनअकैडमी की लिंक्स, वहां पे आप लोग जाके अनअकैडमी की 7 डेज फ्री ट्रायल आप लोग यूज कर सकते हैं। जब मैं फ्री ट्रायल की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले करना क्या है मैं आपको वो बताता हूं। प्लेस्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से जाके अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे जाके उस लिंक से आप लोगों को IIT JEE की गोल को सेलेक्ट करना है। IIT JEE की गोल को सेलेक्ट करके आप लोगों को मेरी कोड को यूज़ करना है AKB, और AKB को करने के बाद आप साइन इन कीजिए और उसके बाद अनअकैडमी की सारी कोर्सेज जितने भी सारे कोर्सेज हैं 7 दिन के लिए अनलिमिटेड आप लोगों के लिए फ्री हो जाएंगे। वहाँ के जितने सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, कोटा के टॉप एजुकेटर्स, दिल्ली के टॉप एजुकेटर्स, वो सारे एजुकेटर आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगे। उनसे आप लोग पढ़ के देख सकते हैं कि क्या आपने जिनसे पढ़ाई की या फिर जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है उनकी टीचर्स वगैरह कैसे हैं, वहाँ के नोट्स किस तरीके से हैं, वहाँ पे टेस्ट सीरीज कैसे होता है, वहाँ पे मॉक टेस्ट किस तरीके से लिए जाते हैं, वहाँ पे क्विजेस किस तरीके से लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल पाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जाके नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और 7 डेज का फ्री ट्रायल लीजिए यूजिंग माई कोड AKB। सबसे पहला जो कॉलेज आता है वो है हमारा यार IIT मैड्रास। अगर आप NIRF की भी रैंकिंग देखेंगे तो ये कॉलेज हमारा रैंक 1 पे आता है। ESTD की बात करूँ तो 1959 है, तो काफ़ी पुरानी कॉलेज है। कैंपस 617 एकड़ का कैंपस आप लोगों को मिल जाता है। मीडियम सैलरी 15 LPA। ध्यान रखना यार कि मीडियम सैलरी और एवरेज सैलरी इन दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस होता है। ध्यान रखिएगा, जो ये कटअप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यार, ये कट ऑफ आप लोगों की कैटेगरी रैंक है, मतलब अगर आप SC हो ST हो तो आपकी जो कैटेगरी रैंक होगी वो कैटेगरी रैंक यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लिस्ट पे। हमारा अगला कॉलेज आता है वो है हमारा IIT दिल्ली। ESTD है हमारा 1961, कैंपस 325 एकड़ का है। दी ओनली निगेटिविटी विद IIT दिल्ली इज उसका कैंपस ही है यार, क्योंकि कैंपस इनकी जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है उसके हिसाब से कैंपस थोड़ी और बड़ी होती तो अच्छा होता, लेकिन क्योंकि यार मिडिल ऑफ द सिटी में है इसी वजह से इनका कैंपस थोड़ा सा छोटा है। मीडियम सैलरी 17.6 लाख पर एनम, और लेकिन जो बच्चों की एडमिशन पिछले साल हुई यार तो उनकी जो कट ऑफ गई वो 5800 में ही ये कॉलेज क्लोज हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ देखिएगा कि कट ऑफ थोड़ी सी डाउन चली गई थी इस कॉलेज का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो IIT मुंबई की अगर मैं ESTD की बात करूँ तो वो हमारा 1958, कैंपस है हमारा 550 एकड़ का। यहाँ का कंप्यूटर साइंस आप सभी को पता है कि बच्चे लेने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं, तो मैंने प्रीवियस 2 ईयर के कट ऑफ दिखाए हैं यार, वो आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी यार वो 3830 थी। अगर आप EWS रैंक हो तो 792 रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल जाती। SC और ST हो तो 712 ST, मैंने यहाँ पे रैंक दिखाया है उसको आप लोग एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। लिस्ट पे हमारा अगला कॉलेज आता है IIT कानपुर। रियली अंडररेटेड कॉलेज अगर बोलेंगे तो ये है हमारा। जितनी IITs की बात होती है उसमें हम लोग IIT कानपुर की बात बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर इसकी आप प्लेसमेंट देखेंगे तो हमेशा टॉप के जितने IITs हैं उनसे या तो टक्कर में रहते हैं या तो उनसे अच्छा ही होता है। अगर इस साल भी इनकी मीडियम सैलरी देखिएगा तो 19.1 लाख पर एनम इज द मीडियम सैलरी, जो कि उन तीनों ही IIT से ज़्यादा है। ESTD की बात करूँ वो है 1959, कैंपस एरिया 1100 एकड़ का, बहुत बढ़िया लश ग्रीन कैंपस आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रीवियस 2 ईयर के मैंने कटअप दिखाए हैं, तो प्रीवियस 2 ईयर में आप लोग देख सकते हो कि रिसेंट कटअप जो है वो थोड़ा और भी डाउन चला गया था। 6837 रैंक पे ही हमारी जो ये थी वो क्लोज हो चुकी थी यार, है ना। EWS के लिए 1318, OBC के लिए 3473 और SC ST के लिए भी कटअप आपके सामने दिख रहा है, एक बार यार पॉज करके देख लीजिए। लिस्ट पे हमारा अगला कॉलेज आता है IIT खड़गपुर। मीडियम सैलरी 15 लाख पर एनम। लेगेसी है यार इस कॉलेज का, काफ़ी पुरानी कॉलेज है और ये कॉलेज सबसे बड़ी है 2100 एकड़। कुछ हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़े हैं, उनका ये कहना था कि इसमें इतनी बड़ी एरिया में ये बनी है कि आपको लगेगा कि एक मैं छोटा सा सिटी में आ गया हूँ, एक छोटा सा शहर में मैं आ गया हूँ, और इसकी बहुत सारी जो एरियाज है यार वो अभी तक मतलब ठीक से उसको कवर भी नहीं किया जा सका है, पूरा जंगली जंगल है। और कट ऑफ की अगर बात करूं तो 7900 पे अगर आप जनरल कैटेगरी होते तो आप लोगों को ये कॉलेज मिल जाती। इससे अगर नीचे रैंक होता तो फिर इस कॉलेज में एडमिशन लेना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। उसी तरीके से जनरल EWS के लिए, OBC SC ST के लिए कट ऑफ दिख रही है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। लिस्ट पे हमारा अगला कॉलेज आता है IIT रुड़की। मीडियम सैलरी 16.7 लाख पर एनम। और क्या हसीन वादियों में ये कॉलेज बनाया है, रुड़की की धरती पे ये कॉलेज हमारा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट आप लोग कह सकते हैं कॉलेजेस इन इंडिया, इंटायर इंडिया में सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है IIT रुड़की। मीडियम सैलरी 16.7 लाख पर एनम। और कट ऑफ की अगर बात करूं तो 7300 रैंक पे आप लोगों को ये कॉलेज मिल सकता था, उससे ज्यादा अगर रैंक होती तो आप लोगों को ये कॉलेज फिर नहीं मिल पाता। और बाकी कट ऑफ आपके सामने दिख रही है, आप लोग यहां पे देख सकते हो। लिस्ट में हमारी अगली कॉलेज आती है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी भी यार मतलब कि जैसे कि मैंने
थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आईआईटी कानपुर कितनी अंडररेटेड कॉलेज है, सिमिलरली आईआईटी गुवाहाटी भी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड कॉलेज है, क्योंकि थोड़ी सी आउटस्कर्ट्स में ये कॉलेज है, इसी वजह से लोगों को लगता है कि शायद इनकी प्लेसमेंट्स उतनी अच्छी नहीं होती होगी, शायद ये कॉलेज भी उतना अच्छा नहीं होगा बाकी आईआईटीज़ के मुकाबले। लेकिन अगर आप इसकी ईएसटीडी देखेंगे तो काफ़ी नई है, 1994 है, कैंपस 700 एकड़ की, इतनी ब्यूटीफुल कैंपस है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, और मीडियम सैलरी की बात करूं तो डेट इज 18.7 लाख पर एनम, विच इज़ अ डैम गुड थिंग। प्रीवियस दो ईयर की मैंने कट ऑफ इसमें आप लोगों के लिए दिखाया है, आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके देख लीजिएगा, 9000 के करीब अगर आपकी रैंक है तो आप लोग इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सिमिलरली अदर कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे रैंक दी गई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लिस्ट पे हमारा अगला कॉलेज आता है आईआईटी हैदराबाद। पिछले कुछ दिनों में जो नई आईआईटीज आए हैं, उन नई आईआईटीज में सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी ने कमाया है तो वो है हमारा आईआईटी हैदराबाद। 2008 में ये कॉलेज हमारा बना है, 576 एकड़ के एकदम ब्यूटीफुल कैंपस आपको इसको देखने को मिलेगा, और कॉलेज क्योंकि नई है यार तो इसमें जो नए जो कैंपस अभी बनी है वो नई नवेली आप लोगों को मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेमिसाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। मीडियम सैलरी की बात करूं तो वो हमारा 16.25 लाख पर एनम। ध्यान रखना कि जब मैं मीडियम सैलरी आप लोगों को बता रहा हूं तो कई बच्चे पूछना चाहते हैं कि भैया मीडियम सैलरी और एवरेज सैलरी में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो करके रखा है, आप लोग सर्च कीजिएगा मीडियम सैलरी वर्सेज एवरेज सैलरी आदर्श पंडवाल, या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर भी अगर मैं हो सके तो लिंक दे दूंगा, दोनों में से एक काम कीजिएगा। जब आप लोगों को डिफरेंस पता चलेगा तो आप लोग भी शॉक हो जाओगे, अच्छा ये भी डिफरेंस हो सकता है। और कट ऑफ की अगर बात करूं तो आप लोग देखिएगा कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो रिसेंट ईयर की जो कट ऑफ थी उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई थी, मतलब कि पहले 7900 रैंक पे किसी बच्चे को कॉलेज मिलता था, तो बाद में जो इस साल की जो कट ऑफ आई थी इसमें 8150 रैंक पे भी उस बच्चे को कॉलेज मिल पाई, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। इसलिए मैंने दो ईयर का कट ऑफ आप लोगों को दिखाया है ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कट ऑफ के ट्रेंड के हिसाब से कि लगभग कितने रैंक पे मुझे ये कॉलेज मिल पाएगी। बाकी अगर आप लोगों को कॉलेज प्रेडिक्टर देखना है तो हमारी ऐप JEE360 को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है IIT BHU। लिटरली यार ये इतनी बड़ी कॉलेज है कि सच में जो बच्चे गए हुए हैं बनारस वो बच्चों को अगर कॉलेज विजिट किए हैं तो उनको लगता है कि सच में मैं एक शहर में आ गया हूँ। IIT BHU, अगर मैं इसकी ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 1919। कैंपस की बात करूं तो 1300 एकड़ की कैंपस है, और इन 1300 एकड़ में से जैसे कि IIT खड़गपुर, और इसमें यही डिफरेंस है कि IIT खड़गपुर में 2100 एकड़ की कैंपस तो है लेकिन उनमें से कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि अभी अनयूज्ड है, लेकिन IIT BHU में जो कैंपस है यार इसको अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। हाँ थोड़ा ओल्ड है तो आपको जो नए IITs वाला जो थोड़ा बोलते हैं ना वो वाइब वैसा नहीं आएगा, लेकिन IIT BHU तो IIT BHU यार इतनी पावन धरती पे ये कॉलेज बनाया हमारा। मीडियम सैलरी की बात करूं तो वो हमारा 16 LPA। कैटेगरी वाइज आप लोगों के लिए कट ऑफ दी गई है यहाँ पे यार, ये कुछ कॉलेजेस में से एक है जैसे कि IIT खड़गपुर है, IIT BHU है, और इसी के साथ साथ IIT धनबाद है, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत ज्यादा है। फार्मास्यूटिकल वगैरह भी अगर आप करना चाहते हो, सिरेमिक इंजीनियरिंग अगर करना चाहते हो, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस है, मेटलर्जी वगैरह भी है कॉलेज में, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस इस कॉलेज में मौजूद है आप लोगों के लिए। और यही एक कारण है यार कि यहां की जो कट ऑफ वगैरह है वो कट ऑफ काफी नीचे चले जाती है, और कोई वजह नहीं है। लिस्ट पर हमारा अगला कॉलेज आता है वो हमारा IIT धनबाद। पहले ये हमारा ISM धनबाद था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, अब इसे हम लोग IIT धनबाद का दर्जा देते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से कहा, 1926 में ये कॉलेज बनी है, कैंपस 680 एकड़ की है। हाँ जितने कैंपस मैंने और बाकी दिखाए उनके हिसाब से थोड़ी सी आप 19 कह सकते हो, 20 नहीं कह पाओगे। मीडियम सैलरीज 11 लाख पर एनम, और खास करके अगर आप इलेक्ट्रिकल वगैरह लेते हो तो कोर कंपनीज भी कॉलेज में विजिट करेंगी आप लोगों के लिए। और कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि नंबर ऑफ जो ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मीडियम सैलरी थोड़ी सी यहाँ पे इस कॉलेज की कम है। ठीक है, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है IIT इंदौर। ESTD 2009 की है, मीडियम सैलरी 14 LPA है, कैंपस 515 एकड़ की है। अगर कट ऑफ रिसेंट ईयर की कट ऑफ की बात करूँ तो तकरीबन 11000 के करीब जो है वो रैंक की कट ऑफ चली गई थी। अगर आप SC ST या OBC रैंक से भी हो तो देखो आप लोगों की कट ऑफ जो है वो काफ़ी नीचे है बाकी सारे IITs के हिसाब से अगर आप देखोगे तो। ठीक है, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज IIT मंडी। अब इस कॉलेज के बारे में मैं क्या कहूं, आज से 2 साल पहले इसको लोग इतना ज्यादा मतलब कि मजाक के तौर पे बोला जाता था, कहां जाओगे IIT मंडी जाओगे, लेकिन अगर आप इनकी अभी प्लेसमेंट्स देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मीडियम सैलरी 18 लाख पर एनम, विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। कैंपस 538 एकड़ की है, 2009 में ये कॉलेज बनी है हमारी, और रिसेंट ईयर्स में यार प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी कॉलेज की हो गई है पिछले 2-3 सालों में, और रैंकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा इसमें आप लोगों को देखने को मिला है। आगे आप देखेंगे कि बहुत सारे और जो टॉप के IITs है शायद उनको भी ये कॉलेज टक्कर दे। जनरल कैटेगरी के लिए जो रैंक है वो तकरीबन 12000 के करीब भी अगर आपकी होती तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन वो मिल सकता था, और बाकी कैटेगरी रैंक आपके सामने दी गई है, एक बार रोक के आप वीडियो को देख सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है IIT रोपड़। इसकी अगर मैं ESTD की बात करूं तो 2008 है, 501 एकड़ की कैंपस है, मीडियम सैलरी 12.4 लाख पर एनम, और बाकी सारे कटअप्स जो है यार वो कटअप्स आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, लिस्ट पे हमारा अगला कॉलेज आता है IIT पटना। IIT पटना की यार अगर मैं मीडियम सैलरी की बात करूं, अच्छा जब मैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूं यार, तो बहुत सारे IITs मैंने देखे जिनकी प्लेसमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल जो
जैसे कि अभी 2022 के लिए जो बच्चों की प्लेसमेंट हुई, मतलब 2021 के एंड में जो प्लेसमेंट हुई वो 2020 के एंड में जो प्लेसमेंट हुई थी उससे थोड़ी सी पता नहीं क्यों यार नीचे गिरी है, जो कि मैंने प्लेसमेंट डेटा देखा उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि IIT पटना की जो मीडियम सैलरी थी वो पहले 13 लाख से भी ज़्यादा थी, बट अगर आप रिसेंट डेटा देखेंगे तो वो तकरीबन 11.8 लाख हो गई है। कट ऑफ्स की बात करूँ तो पिछले दो सालों की कट ऑफ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पिछले साल अगर आपकी रैंक 14,000 के करीब भी होती तो शायद इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ बिहार में है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे इस पर नहीं आते हैं, लेकिन कॉलेज काफ़ी पुरानी है और कॉलेज का एक अच्छा रेपुटेशन वगैरह भी है, तो आप उस रेपुटेशन पर आ सकते हैं। सिर्फ स्टेट छोड़ के किसी कॉलेज को इग्नोर करना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है IIT गांधीनगर। अब इसकी मीडियम सैलरी थोड़ी सी कम है, जो है 9 लाख पर एनम है, और बाकी सारी कट ऑफ्स आपके सामने दिख रही है, आप लोग इसको एक बार देख ले। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है IIT भुवनेश्वर। कैंपस 936 एकड़ की कैंपस है, मीडियम सैलरी 13.5 लाख पर एनम, और इसमें अगर तकरीबन 12,500 के करीब अगर रैंक है अगर आपकी जनरल कैटेगरी की तो आपको इसमें एडमिशन मिल पाएगा। और अगर आप SC ST OBC हैं तो यहाँ पे भी OBC में भी देखें आपकी रैंक अगर 4900 के करीब भी है तब भी आपको ये कॉलेज मिल पा रहा है, विच इज़ ए वेरी वेरी गुड थिंग। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है IIT जोधपुर। मुझे ये कॉलेज बहुत अच्छा लगता है, जोधपुर की धरती पर यह कॉलेज हमारा बसा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक जगह है हमारे लिए। ESTD की बात करूँ तो वो है हमारा 2008 कैंपस, 852 एकड़ की कैंपस है, मीडियम सैलरी इज़ ऑल्सो गुड, 12 लाख पर एनम इसकी मीडियम सैलरी है। और अगर आपकी खास करके रैंक अगर थोड़ी सी नीचे आई है यार, 14,000-15,000 के करीब है, तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, बीइंग ए गर्ल अगर आपकी रैंक यार अगर 17-18,000 भी है तो भी आप लोगों को ये कॉलेज मिलने के चांसेस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे गर्ल्स के लिए कट ऑफ नहीं बताया। गर्ल्स के लिए सुपर न्यूमरी सीट्स में जो कट ऑफ होती है वो जो नॉर्मल कट ऑफ होती है उससे कम से कम 4,000-5,000 वो नीचे चले जाती है। ESTD की बात करूँ तो वो है हमारा 2016 कैंपस, 470 एकड़ की है, एवरेज सैलरी 11 लाख पर एनम। और यहाँ पे देखो मैं यार एवरेज सैलरी आप लोगों को बता रहा हूँ, मीडियम सैलरी नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा डेटा दिख रहा होगा, क्योंकि यार जो नॉर्मली यार IITs होते हैं अगर उनकी सबकी अगर आप एवरेज सैलरी देखोगे तो वो 25-30 लाख होती है, बट हम लोगों को मीडियम सैलरी से ज़्यादा अंदाजा लग पाता है कॉलेज का, इसलिए हम लोग मीडियम सैलरी की बात करते हैं। लेकिन इस कॉलेज की मीडियम सैलरी हम लोगों को पता नहीं चल सकी यार, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज सैलरी का जिक्र किया है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है IIT धरवाद। धनवाद नहीं है, धरवाद है, और मीडियम सैलरी की यार कोई डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। कैंपस 470 एकड़ की है और बाकी सारे कट ऑफ्स आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है अवेलेबल। लिस्ट पे हमारा अगला कॉलेज आता है IIT विलई। IIT विलई यार आप लोगों को छत्तीसगढ़ में ये कॉलेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये स्टडी 2016 की है तो काफ़ी न्यू कॉलेज है यार। कैंपस भी ठीक ठाक है, 432 एकड़ की है, एवरेज सैलरी यहाँ पे फिर से यार मैं यहाँ पे एवरेज सैलरी की जिक्र कर रहा हूँ, मीडियम सैलरी की डेटा आप लोगों को नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और कट ऑफ्स दो साल की यहाँ पे कट ऑफ्स मैंने दिखाई है, उसको आप लोग बड़ी पॉज करके देख लें। अगला कॉलेज है IIT पलक्कड़। IIT पलक्कड़ की अगर आप मीडियम सैलरी देखेंगे तो 9 लाख पर एनम है, जो कि ठीक है यार, क्योंकि कॉलेज काफ़ी नहीं है, 2015 की ही कॉलेज है। और आए दिनों में आप लोग जब तक पास आउट हो गए यार, फॉर एग्जांपल आप अभी एडमिशन लोगे 2022 में तो आपकी पास आउट ईयर होगी 2026, तब तक यार ये कॉलेज की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो चुकी होगी। कैंपस इज 505 एकड़, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कट ऑफ्स देखें यार, कट ऑफ्स काफ़ी डाउन चले जाती है, तो अगर आपकी खास करके थोड़ी सी नीचे रैंक आ रही है ना तो आप इस कॉलेज को टारगेट कीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा IIT तिरुपति और लास्ट है हमारा IIT जम्मू। IIT जम्मू यार बहुत हसीन वादियों में ये कॉलेज हमारा, हाँ, लेकिन इसमें हमारे भाई भी अभी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव बात यह है कि यार कॉलेज फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ी सी दूर है ना, और लेकिन कॉलेज काफ़ी ब्यूटीफुल है। कैंपस 400 एकड़ की है, एवरेज सैलरी इसका मैं बता रहा हूँ 416 LPA है, क्योंकि मीडियम सैलरी की जानकारी नहीं थी यार, है ना। और यहाँ पे कट ऑफ आप लोगों को देख लीजिए कैटेगरी वाइज दिया गया है, और सबसे नीचे जो कट ऑफ गई थी यार शायद इसी कॉलेज की गई थी, इससे नीचे और किसी कॉलेज की कट ऑफ नहीं गई थी। कुछ बच्चों को लगता है कि क्या भैया ये कॉलेज हम लोगों के लिए सेफ होगा कि नहीं, तो 100% सेफ है। हमारा भाई भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है कॉलेज का, हॉस्टल्स वगैरह काफ़ी नए हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इस कॉलेज को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपके लिए बहुत खराब होने वाला, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा।